अगर अपने यार की जिंदगी चाहिए तो जरा कुछ नाच गाना दिखा दो हमको भी। बसंती कुत्तों के सामने मत नाचना। अरे कैसे नहीं नाचेगी, हम कुत्तों ने पैसे दिए। नाच 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 नाच। अपने आप को मुगल आजम हम लोग का अनारकली समझता है बे, कितना मचा रहा है। ओए मास्टर आ गया मास्टर। गुड मॉर्निंग सर। ए नालायको, चुप करके अपने अपने जगह पर बैठ जाओ। और तुम लोग क्या सोचते हो कि तुम लोग जो क्लास में करते हो मेरे को पता नहीं लगता है? मेरे जासूस पूरे स्कूल में फैले हुए हैं। और तुम्हारी भलाई के लिए बता दूं कि ठंड ज्यादा हो रही है, सब लोग टोपा लगा के आया करो, स्वेटर पहन के आया करो। और जरा हीरो बनने की जरूरत नहीं है, अगर ठंड लग गई तो तुम लोग चरमरा के मर जाओगे, जिंदगी झंड हो जाएगी और भीख मांगने के लायक बचोगे। तुम लोगों को बता दूं, कल मैंने तुम लोग को ड्राइंग में होमवर्क दिया था कि सब लोग अपने मन पसंदीदा चीज बना के लाएंगे, तो एक एक करके सब लोग दिखाओ क्या क्या बना के लाए हो। ला रे मोनू, तू दिखा क्या बना के लाया है। ये क्या है, ये क्या बनाया है? अरे सर जी, ये कुत्ता है, कुकुर, जो कुकुर होता है ना वो कुत्ता। अच्छा ये तो ठीक है, पर ये बता इसकी पूंछ कहाँ पर है? सर जी बात ये है कि इस कुत्ते का एक्सीडेंट हो गया था तो इसकी पूंछ कट गई। अच्छा चलिए ये तो ठीक है, पर ये रंग बिरंगा कुत्ता कहाँ से आया? ऐसा कुत्ता कहाँ होता है? सर जी हमारे मोहल्ले में होता है जी, कभी आके देख लेना। अरे बेवकूफ पागल है क्या, चल बैठ जा। लारे समोखन, तू दिखा तू क्या बनाया है। ये बनाया है जी। ये क्या बनाया है रे टट्टी जैसा? सर ये टट्टी ही है, ये मोनू का कुत्ता ना जी, टट्टी करके उधर चला गया है। अरे गधे, मैंने कहा था अपने मन पसंद की चीज बनानी है, कहाँ बनाया है तू? बनाए थे सर जी, पर मोनू का कुत्ता इस पे टट्टी कर दिया है, इसी के बीच में है। क्या बकवास कर रहा है तू, चुप करके बैठ जा और जितना मुझसे बच सकता है बच। अरे पप्पू खड़ा हो, तूने क्या बनाया है? सर जी इसने आपकी फोटो बनाई है जी। सर की फोटो? मुझे भी दिखा। मेरी फोटो? ला रे दिखा। ये क्या है रे बेवकूफ, ये क्या बनाया है तूने? सर हम आपकी फोटो बनाने की कोशिश कर रहे थे। बैठ जा रहे ना लायक। तू दिखा तू क्या बना के लेके आया है। ये लीजिए। अरे ना लायक क्या लीजिए, इसमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, पूरा खाली है। सर जी मैंने हवा बनाया है, और हवा दिखता थोड़ी है। अरे ना लायको, तुम लोग किसी काम के भी नहीं हो। आइए 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 सर, और इधर खड़े हो जाइए। और ये हमारे हिंदी के टीचर शास्त्री जी हैं, जो बहुत ही ज्यादा अच्छा पढ़ाते हैं, और इनका नेचर बहुत ही अच्छा है, और ये बहुत ही ज्यादा हैंडसम और स्मार्ट है, इनसे मिलिए। नमस्ते जी नमस्ते। और ये हमारे क्लास के बच्चे हैं, इनसे भी मिल लीजिए, ये बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। अरे नालायको, तुम लोग सिनेमा हॉल में बैठे हो, तुम लोग को दिखाई नहीं दे रहा सामने कौन आया है, खड़े नहीं हो सकते हो। बैठ जाओ प्यारे बच्चों, मैं आपके जिले का शिक्षा मंत्री हूँ। मैं आपके स्कूल का इन्वेस्टिगेशन करने आया हूँ कि आपके स्कूल में कैसी पढ़ाई होती है। अगर आप लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो मुझे बता सकते हैं। सर जी आपकी क्लास देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है, बच्चे बहुत अच्छे हैं और देखने में तंदुरुस्त लग रहे हैं। जी सर, बच्चे बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हैं और बहुत ही ज्यादा तंदुरुस्त भी दो चार हैं। वैसे ये सब तो ठीक है, क्या ये लोग दिमाग से भी तंदुरुस्त हैं? दिमाग के बारे में तो पूछो मत सर जी, ये लोग दिमाग से बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। मैं इनसे कुछ पूछताछ कर सकता हूँ? जी सर आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, ये सब बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है और बहुत ही ज्यादा होशियार बच्चे हैं, ये तुरंत जवाब देंगे। और बाकी ये लोग जानते ही हैं कि जितना मुझसे बच सकते हैं बचे। तो आप खड़े हो जाइए और ये बताइए सबसे खतरनाक सिटी कौन सी है।
सर जी, मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा खतरनाक इलेक्ट्रिसिटी होती है। गलत है, तुम लोग को इतने छोटे छोटे क्वेश्चनों का जवाब भी नहीं आता है। बैठ जा, कोबरे जैसा मुंह लेके खड़ा हो जाता है। ओए सपेरे जैसे मुंह वाले तू खड़ा हो। मेरा नाम समोखन है, अपने कर हमसे कायदे में बात करो। पैसे देते हैं, फ्री में नहीं बैठते हैं यहाँ पे। मंत्री हो गए तुम, अपने घर में मंत्री हो गए, किसी को कोबरा सपेरा यहाँ पे मत कहना। हमारे क्लास में सब हमारे भाई बंधु हैं। ओए ज्यादा बकवास मत कर, चलिए बता विश्व में कितने देश हैं? विश्व में एक ही देश है, इंडिया, और बाकी सब तो विदेश हैं। तू बदतमीजी कर रहा है, दोनों हाथ ऊपर करके खड़ा हो जा। आप खड़े हो जाइए नेवले जैसे शक्ल वाले, आप मुझे थोड़ा समझदार लग रहे हैं। जी सर, बोलिए। तू ये बता, लोग चाय क्यों पीते हैं? ये क्या मजाक है, चाय को इसलिए पीते हैं क्योंकि चाय को खाया नहीं जा सकता है। शास्त्री जी, मुझे लगता है इस शहर के सारे नालायक बच्चे आप ही के स्कूल में हैं। सर जी। हाँ, तेरे को क्या हो गया, बोल। सर जी, पैरों में ना जी थोड़ा सा खुजली हो रहा है जी। तो हम क्या करें, खुजली हो रहा है तो खुजाओ, मैं क्या कर सकता हूँ। नहीं सर, हम कैसे खुजाएं, हमारे तो दोनों हाथ ऊपर है ना। तो प्रभु हम खुजा दें? अरे सर जी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, जल्दी कीजिए, आप खुजा देंगे तो मजा आ जाएगा। नेकी वो भी पूछ पूछ। सर जी, हम सुने हैं कि आप बहुत अच्छा खुजा लेते हो। अरे गधों, हम तुम्हारे स्कूल में खुजाने के लिए आए हैं कि जांच करने आए हैं तुम्हारे स्कूल का? सर जी, आप सही बोल रहे हो, आप हमारे स्कूल में खुजाने नहीं आए हो बल्कि खुजली फैलाने आए हो। शास्त्री, मैं तुम्हें नौकरी से निकलवा के रहूंगा, तुम बच्चों को पढ़ाते नहीं हो, सारे बच्चे तुम्हारी क्लास के नालायक हैं। ए प्रिंसिपल, मैं तुम लोगों को देख लूंगा, तुम्हारे स्कूल को इस शहर में चलने नहीं दूंगा, बंद करवा के रखूंगा तुम्हारा स्कूल। अरे नालायकों, तुम्हारे वजह से आज मेरी नाक कट गई। पहले आपकी नाक कौन सी सलामत थी जो अब कट गई? आपकी तो चुटिया कट जानी चाहिए। क्या बोला, एक बार फिर से बोलना। सर, कहने का मतलब यह है कि नाक आपकी है और कटी हमारे वजह से, ये कैसे? जी सर, नाक आपकी है तो आपके वजह से कटेगी, हमारे वजह से थोड़ी कटेगी। वैसे ही आपके कारनामे देख के तो हमें यही लगता था कि आपकी नाक कटने वाली ही है, और कट गई। क्या मतलब है रे तेरा? छोड़ो सर, आपके छोटे भेजे में इतनी बड़ी बात नहीं घुस सकती। आप बस ये बताओ कि आपकी नाक हमारी वजह से कैसे कटी? तो आज तुम लोग मुझसे बच ही नहीं सकते हो, तो देखो कैसे मेरी नाक कटी है।